अरे मैडम रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? पीछे तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? अरे ओए पंडित जी क्या कर रहा है तू? अरे आओ आओ मैडम जी, आओ आओ बैठो बैठो बैठो। धन्य भाग हमारे जो आप हमारे ऑफिस में पधारे। पीएन है ना, पीएन की तरह रहे, बॉस बनने की जरूरत नहीं है। उल्लू के पट्टे मैडम से ऐसा व्यवहार रखेगा तू? फूल सिंह जी जानते हो मैडम कौन है? ना। अरे ये हमारी सीनियर मैडम रह चुकी, पीएफ का सारा काम मैंने इनसे ही तो सीखा है। नहीं मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्कार। हाँ जी मैडम बताओ कैसे आना? वो अनूप जी। एक मिनट, एक दो तीन चार, सुन बे पंडित, चार चाय लेकर बढ़िया सी मजा आना चाहिए पी के। पर सर वो चाय वाला तो अपना गांव चला गया, अब तो मार्केट से ही जाकर चाय लानी पड़ेगी। भाई मेरे पास तो खुले रुपए है नहीं फूल सिंह जी। अरे आपके पास तो रहती कहाँ है मैडम, 40 रुपए दे दो ना इन्हें। पर मुझे तो चाय नहीं पीनी ना। हमें तो पीनी है, 30 दे दो। जा भाई चार चाय लेगा। हाँ मैडम बताओ कैसे आना हो? वो ना मेरे पीएफ के पैसे अभी तक बैंक अकाउंट में नहीं आए, एक बार फाइल चेक करके बता दो क्या दिक्कत हो रही है। अरे भाई ये तो बड़ी दिक्कत है फूल सिंह जी, हमारी जो सीनियर मैडम रह चुकी जिनसे हमने सारा काम सीखा है, अगर उन्हीं का टाइम पे पीएफ नहीं आ रहा तो बड़ी दिक्कत है ना। इसका पीएफ देखो भाई फटाफट। मैं ना सरकार का नौकर हूँ, आपके बाप का नहीं हूँ। पीएफ नहीं आ रहा मैडम का, आपके चक्कर में 10 फाइल पेंडिंग पड़ी है, ये नहीं करूँगा मैं। अरे फूल सिंह जी नाराज क्यों हो रहे हो भाई? देखो हमारी सीनियर मैडम है, स्टाफ की बात है, कुछ तो शर्म करो भाई, फाइल देखो चेक करो भाई। अरे सर आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, तो मैडम को ना 3 दिन बाद बुला लो, मैं फाइल ढूंढ के ना आपके टेबल पर रख दूंगा। मैडम जी 3 दिन बाद आके पता करना, बताते हम क्या रहा आपकी फाइल का। 3 दिन बाद आना? पर अनूप जी मैं तो आपके महकमे की हूँ ना, मेरा काम थोड़ा जल्दी करा देते। मैडम वही बात तो हम आपको बताना चाह रहे हैं। अरे आप बीसी स्टाफ के, आपको पता है यहाँ सब सरकारी मुलाजिम है, कोई किसी की ना सुनता, आराम से काम होगा, 3 दिन बाद आके पता कर लेना, हो सकता है आपका काम हो ही जाए। रुको मैडम, मुझे पता है ये दोनों कितने बड़े रिश्वतखोर हैं, आपका काम ऐसे नहीं होगा। आप एक काम करो, मुझे 500 रुपए दो, आपका काम फट से हो जाएगा। बस इसी चीज का इंतजार था मुझे कि अभी तक किसी ने मुझसे रिश्वत क्यों नहीं मांगी। मैंने इस महकमे में जॉब करी है, कम से कम मेरी तो शर्म कर लेते रिश्वत मांगने से पहले। अरे अनूप जी रिश्वत ले रहे हो, कम से कम भगवान से तो डरो, खुद तो रिश्वत ले रहे हो, साथ साथ में स्टाफ को रिश्वतखोरी सिखा दो। मैडम ये रिश्वत लेना माँ के पेट से ना सीखा है, आप हमारी सीनियर रही हो, आपसे ही तो सीखा हमने रिश्वत लेना। आपको याद है जब आप मेरी सीनियर थी, आप इसी कुर्सी पे बैठी थी। मैडम मेरे पापा इसी ऑफिस में रह चुके, हमसे भी रिश्वत लोगे क्या? बेशक तुम्हारे पापा पीएफ ऑफिस में रहे हो या तुम्हारे दादा, यहाँ बिना रिश्वत के कुछ नहीं होता। वो भी हमारे सीनियर का बेटा था, आपने बिना पैसे लिए नहीं छोड़ा था, तो देखा वो आपको भी पैसे देने पड़ेंगे, सरकारी काम है मैडम, ऐसे तो होता नहीं, हम भी ऑटो से आते हैं, खर्चा तो लगता है। ये पकड़ो रिश्वत। पंडित मैडम के रिपोर्ट देते हैं। मैडम हमें आप तक कोई रिश्वत ना चाहिए, बस आप एक चीज समझाना चाह रहे हैं, अगर आप खुद ईमानदार ना हो ना तो दूसरे से ईमानदारी की उम्मीद मत रखियो बिल्कुल भी। अरे मैडम आप भी सरकारी मुलाजिम रह चुके, भ्रष्टाचार में तो आपने भी कोई कमी ना छोड़ी। हम आपसे रिश्वत ना लेना चाह रहे, हम आप बस एक चीज समझाना चाह रहे हैं, आप अच्छे ऑफिसर तो ना बन सके लेकिन हो सके ना अच्छे इंसान बन जाइए। आप काम हो चुका है फूल सिंह जी। सर भेज दे मेरे पीएफ। आपको ऑलरेडी पीएफ जा चुका है, आप भी जाइए प्लीज। ईमानदारी की बात करती है।